नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के दूसरे दिन भागलपुर में पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। एसएसपी ने कहा अनावश्यक घरों से बाहर निकलने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड का किया निरीक्षण। मेडिकल टीम को दिए कई दिशा निर्देश। लॉकडाउन के बाद खुलेआम हो रही है अनाज की कालाबाजारी। थोक विक्रेता वसूल रहे हैं मनमानी कीमत। डीएम ने छापेमारी अभियान चलाने की कही बात। बीमार सुअरों के लिए निगम प्रशासन ने बनाया संक्रमण सेंटर। पशुपालन विभाग करेगा सुअरों के स्वास्थ्य की निगरानी। और कोरोना को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। कई टीम का किया गठन। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में लॉकडाउन के दूसरे दिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आया। मंगलवार को जहां सुबह 11 बजे तक लोग अनावश्यक घरों से बाहर निकल रहे थे, वहीं 11 बजे के बाद पुलिसिया सख्ती से विभिन्न चौक चौराहों पर सन्नाटा पसर गया। लॉकडाउन के उल्लंघन की खबर जैसे ही पुलिस कप्तान आशीष भारती को मिली, वैसे ही एसएसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को सख्ती से इसका पालन कराने का निर्देश दिया। इसके बाद एसएसपी आशीष भारती खुद स्टेशन चौक समेत कई इलाकों में पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस कप्तान ने लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, एफआईआर दर्ज करने, चालान काटने और वाहन को सीज करने की बात कही। साथ ही एसएसपी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी से सरकारी दिशा निर्देश का पालन करने की अपील करते हुए कोरोना से जारी अदृश्य लड़ाई में सहयोग करने का आग्रह किया। एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि जो लोग नियम का पालन नहीं करेंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार के द्वारा जो कोरोना वायरस के प्रभाव को के रोकथाम के लिए पूरे बिहार में लॉकडाउन 31 तारीख तक लगाया गया है और जिसके तहत भागलपुर में भी इसको सख्ती से लागू कराया जा रहा है। जो कुछ आवश्यक सेवाएं हैं उनको बस चालू रहने की अनुमति है और उससे जुड़े हुए लोग को ही बस ट्रेवल करना है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति है तो वो सड़क पे नहीं निकले, ये सुनिश्चित कराया जाना है और उसको हम लोग करवा रहे हैं। जो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं कुछ ऑटो वाले या कुछ जो सार्वजनिक परिवहन वाले, उन पर कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और एमवीआर के तहत जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर भी फाइन किया जा रहा है। इधर तिलकामांझी चौक, कचहरी चौक, कोयला डिपो चौक, भगत सिंह चौक, रानी लक्ष्मीबाई चौक, बूढ़ानाथ चौक, गोरट्ठा चौक, ततारपुर चौक समेत कई स्थानों पर पुलिस अधिकारियों ने सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया और नियम तोड़ने वालों से जुर्माना वसूला। वहीं ततारपुर चौक और पर्वती चौक के बीच पुलिस जवानों ने लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों की जमकर क्लास लगाई। इधर मुख्य सड़क से लेकर भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर पुलिस के द्वारा बैरिकेटिंग कर लोगों से बाहर निकलने का कारण पूछा गया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। सरकार ने बिहार में 31 मार्च तक लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है। इसका अनुपालन आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए भागलपुर में पुलिस सक्रिय हो चुकी है। यह इलाका है ततारपुर थाना क्षेत्र का, यह इलाका आता है ततारपुर थाना क्षेत्र के इलाका में पुलिस काफी सक्रिय। लॉकडाउन का लोग दो दिनों से पालन नहीं कर रहे थे। जो स्थिति थी, लोग घर से ही बाहर निकल रहे थे, अनावश्यक काम से बाहर निकल रहे थे, लेकिन इसको लेकर के भागलपुर की पुलिस काफी सक्रिय हो चुकी है और वाहनों को चेकिंग किया जा रहा है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है, लगातार चेकिंग की जा रही है, रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है, बाहर निकलने का कारण पूछा जा रहा है। ततारपुर थाना की पुलिस आप देख सकते हैं कि ततारपुर थाना क्षेत्र में यह इलाका आता है। जो स्थिति है यहाँ पर लगातार लोगों से चेकिंग की जा रही है, आप घर से बाहर क्यों निकले हैं, आपका क्या कारण है, कहाँ जा रहे हैं, ये सब पूछताछ हो रही है और लॉकडाउन का लोग पालन करें। सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसका लोग पालन करें, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन काफ़ी सक्रिय यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि बाइक सवार से भी रोक रोक कर पूछा जा रहा है, उनके बाहर निकलने का कारण पूछा जा रहा है। पुलिस प्रशासन, जो स्थिति थी पिछले 24 घंटे की भागलपुर में, लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर भागलपुर पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वह आपको तस्वीर दिखाए इस इलाके की, किस तरीके से पुलिस
सघन चेकिंग अभियान चला रही है और लॉकडाउन का पालन करने के लिए लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रही है। बार बार पुलिस प्रशासन के द्वारा अपील किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, अनावश्यक घर से निकल रहे हैं। सिल्क टीवी भी आपसे अपील करती है कि आप अनावश्यक घर से ना निकले, जब जरूरत हो अति आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकले। भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो आप घर से ना निकले, कोरोना वायरस को तोड़ने के लिए, उसके संक्रमण से बचने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरह का अभियान चलाया जा सकता है। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं, ततारपुर इलाके की यह तस्वीर है कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस मौजूद है और पुलिस लोगों से उसके बाहर निकलने का आखिर क्या कारण है जो कि लोग यहाँ पर नहीं समझ रहे, उनको समझाया जा रहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आप कोरोना वायरस से तभी लड़ सकते हैं, तभी जीत सकते हैं जब आप अपने घर में रहेंगे, अपने घर में रहें, लोगों के संपर्क में ना आए, उसको लेकर के पुलिस के द्वारा एक बेहतरीन पहल की जा रही है। और लॉकडाउन जैसा लॉकडाउन का मतलब होता है कर्फ्यू जैसा, वही कर्फ्यू जैसा नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन लोग यहाँ पर फिर भी इस अनुपालन नहीं कर रहे हैं इसका। और अनुपालन कराने के लिए, सख्ती से अनुपालन कराने के लिए भागलपुर की पुलिस सड़क पर उतर चुकी है। और आप देख सकते हैं, एक बार फिर यह तस्वीर देखिए कि किस तरीके से वाहनों को, फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, उसको रोका जा रहा है और उसको रोक कर अल्टीमेटम दिया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि आप अगर दोबारा अनावश्यक घर से बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के थाना परिसर में भी काफ़ी वाहनों को पकड़ा गया है, जुर्माना लगाया जा रहा है। भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहों की ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। सिल्क टीवी आपसे एक बार फिर अपील करती है कि सरकार द्वारा जो लॉकडाउन किया गया है उसका आप अनुपालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, तभी आप कोरोना वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। विश्व के 180 देशों को अपनी चपेट में ले चुके नोवल कोरोना वायरस को भारत में फैलने से रोकने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई गाइडलाइन जारी किया है। वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार भी कोरोना से बचाव को लेकर काफी सक्रिय दिख रहे हैं। इसी को लेकर मंगलवार को डीएम प्रणव कुमार सीधे सदर अस्पताल पहुंचे और नशा मुक्ति केंद्र में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया और डीएम ने मेडिकल टीम को 2400 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार से आइसोलेशन वार्ड की जानकारी ली और सिविल सर्जन को कई दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाकर रहना होगा। साथ ही डीएम ने लोगों से राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के नियम का पालन करने की बात कही। यह डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम जो हेल्थ डिपार्टमेंट का बना हुआ है उसको देखा गया, उसकी कार्यप्रणाली को देखा गया। यहाँ हर समय लगातार चिकित्सकों की उपस्थिति, राशन पार्टी की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई है। एम्बुलेंसेस, EMT, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, उनको PPE किट उपलब्ध है कि नहीं इसको देखा गया है। और जितने भी केसेस आ रहे हैं उसका तुरंत और त्वरित निदान हो, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रहे हैं, इसको सुनिश्चित करें। कंट्रोल रूम यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाला तो देख ही लिए, उसके बाद प्रत्येक PHC में है, 16 PHC है, 16 जगह ये 17 जगह कंट्रोल रूम है। हर PHC में भी हमने बना दिया है, अब वो चालू तो कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं आज हो जाएगा। एक ही सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, घर से नहीं निकलें, इसको छोड़ के और कोई उपाय नहीं। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पूरे राज्य को 31 मार्च तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ बंदी का नाजायज फायदा उठा रहे भागलपुर के व्यवसायियों ने अनाज के दाम में वृद्धि कर दी है। मंगलवार की सुबह सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए मिर्जान हाट स्थित किशोर शाह के चावल गोदाम पर लोगों की काफ़ी भीड़ जुटी रही और लोग अधिक कीमतों पर चावल खरीदने के लिए बेबस दिखे। इस दौरान सिल्क टीवी की टीम ने जब दुकानदार से दुकान खोलने और अधिक कीमतों पर चावल बेचने की बात पूछी तो दुकानदार ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं कई ग्राहकों ने बताया कि जनता कर्फ्यू के दिन से ही थोक दुकानदारों द्वारा चावल एवं आटे की कीमतों में 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी गई है। इधर कई खुदरा दुकानदारों ने बताया कि थोक व्यापारी ही ज़्यादा कीमत वसूल रहे हैं, जिसके कारण राशन की कीमत बढ़ती जा रही है। हालांकि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन काफ़ी सख्त है और ऐसे कारोबारियों को चिन्हित करने में जुटी है। वहीं DM प्रणव कुमार ने कोरोना का फायदा उठा रहे कालाबाजारियों को शॉर्टलिस्ट कर उनके खिलाफ छापेमारी अभियान चलाने की बात कही। कल 620 रुपया, कल हम नहीं आए, परसों लिए होगे, एक सप्ताह पहले, दो सप्ताह पहले जो आए थे उस समय मतलब कि 620-630 तक था। अभी क्या मिल रहा है? अभी 700 में बाबा भोग लिया, और क्या बोलता है ये शारदा राइस जो है 725 रुपये कल बताया गया। क्यों दाम बढ़ा? तो सिर्फ चावल 1150 में लिया है, उसके पहले क्या मिल रहा था?
जगह पे कार्रवाई कराई जा रही है। इसके लिए भी एक कोषांग बनाया गया है और हम लोगों ने देखा लॉकडाउन काफी सफल है। अभी कुछ जगहों से ये शिकायत मिली कि कुछ लोगों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का मूल्य अधिक लिया जा रहा है, उस पर भी लगातार छापेमारी कराकर उसे सुनिश्चित कराया जा रहा है। भागलपुर में लगातार हो रहे सुअरों की मौत के बाद नगर निगम हरकत में नजर आ रही है। वार्ड नंबर 26 में सुअरों की मौत के बाद निगम प्रशासन ने वार्ड में ही सुअर संक्रमण सेंटर बनाया है। सेंटर में नगर निगम की ओर से संक्रमण रोकने की व्यवस्था की गई है, साथ ही सेंटर की देखरेख निगम कर्मी कर रहे हैं और निगम द्वारा सेंटर में सुअरों के भोजन की व्यवस्था भी की गई है। बता दें कि सुअरों में हो रही संक्रमण को रोकने के लिए पशुपालन विभाग बीमार सुअरों को चिन्हित करेगा और जरूरी दवा देकर स्वस्थ होने तक सुअरों को सेंटर में ही रखेगा। नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी मोहम्मद रेहान ने बताया कि सुअर संक्रमण सेंटर नगर निगम और पशुपालन विभाग की देखरेख में चलेगा। सुर्खीकल इलाके में बने संक्रमण सेंटर में सुअरों के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है, आइए हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ देश में लोग कोरोना वायरस से दहशत में हैं तो दूसरी तरफ भागलपुर में सुअरों की मौत ने भागलपुर वासियों की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ अब तक 500 से ज़्यादा सुअर की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ जो भागलपुर में पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है। एक तरफ सुअरों को स्वाइन फीवर पशुपालन विभाग के अधिकारी बता रहे हैं तो दूसरी तरफ लगातार पक्षी मर रहे हैं। लेकिन इसी बीच नगर निगम के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, जो सुअर स्वाइन फीवर से पीड़ित है उसके लिए सुअर संक्रमित सेंटर बनाया गया है। वार्ड नंबर 26 में हम सुअर संक्रमित सेंटर की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ये सुअर संक्रमित सेंटर है। यहाँ जो सुअर जो है तो स्वाइन फीवर है, सुअरों को जो फीवर है उसको लाया जाएगा। जो यहाँ इलाज सुअर इस इलाके में पाए जा रहे हैं उसको यहाँ लाया जाएगा और उसकी यहाँ देख रेख की जाएगी। किस तरीके से व्यवस्था की गई है नगर निगम के द्वारा, इसके लिए हम बात करते हैं नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी से कि इस सेंटर में सुअर संक्रमित सेंटर जो बनाया गया है तो इसमें क्या व्यवस्था है और क्या किस उद्देश्य से बनाया गया इसको। सबसे पहले सुअर में जो अभी बीमारी फैल रही है स्वाइन फ्लू से चिन्हित जितने भी सुअर हो गए उसको मेडिकल ऑफिसर के द्वारा चिन्हित कर दिया जाए कि हाँ इसके पास इसको स्वाइन फ्लू है। उसके बाद सारे को हम लोग यहाँ सेंटर बनाए हैं, इस सेंटर में रखे इसका इलाज करेंगे। खाने पीने का सारा व्यवस्था यहाँ पर रहेगा, इलाज करेंगे। जब वो सिक्योर हो जाएगा कि हाँ अब उसके पास नहीं है कोई फ्लू वगैरह, तब डॉक्टर उसका सर्टिफिकेट देगा, उसको फिर उसके हवाले हम लोग कर लेंगे। जनहित में हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का किसी भी मामले में किसी भी पब्लिक को किसी भी आदमी को इसका नुकसान नहीं हो। नगर निगम तत्पर है और नगर निगम हर तरीके से जनता के सहयोग में है। तो भागलपुर में जो सुअर पालक है उसके लिए ये एक राहत बड़ी खबर हो सकती है, अच्छी खबर है कि जो सुअर पालक है उनके सुअरों का इलाज नगर निगम के द्वारा और पशुपालन विभाग के द्वारा किया जाएगा। नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी ने स्पष्ट कर दिया कि जो सुअर जब स्वस्थ हो जाएंगे तो उसे पशुपालक को सौंप दिया जाएगा, यह एक अच्छी पहल है। हमारे साथ वार्ड नंबर 26 के पार्षद पति संजय तांती जी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि सर बताइए व्यवस्था से क्या आप कैसे देख रहे हैं व्यवस्था को, आप क्या लगता है। पहले तो नगर निगम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा महामारी को सफल बनाने में बढ़िया से मेंटेनेंस करने में सहयोग किया। इसके लिए सभी कर्मचारी और नगर निगम के अधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो हम लोग का प्रयास है कि यहाँ पे संक्रमित सुअर का इलाज करके सुअर पालकों को सुरक्षित वापस उसको मिल जाए। और तो हम तो यही बोलेंगे प्रशासक को, जो भी सुअर पालक को नुकसान हुआ है उसका भी भरपाई और उसका जो अनुदान होता है उसको मिले। धन्यवाद। संजय कुमार पाल। सुअरों का जो नुकसान यहाँ के पशुपालकों को हुआ है, जो सुअर इनके मृत सुअर हुए हैं उसकी मांग मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक बार हम आपको फिर से इस सुअर संक्रमित सेंटर की तस्वीर दिखा देते हैं कि नगर निगम के द्वारा व्यवस्था की गई है, बिल्कुल संक्रमण मुक्त किया जा रहा है। लोग जो है तो सैनिटाइजर का यहाँ पर नगर निगम के कर्मी जो है तो केमिकल का और सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं और इस सेंटर को संक्रमित मुक्त बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर भी देख सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया जा रहा है।
और यह एक नगर निगम की निगम प्रशासन की एक अच्छी पहल है, एक अच्छी कोशिश है कि जो जो इलाके में जो संक्रमित जो सुअर जो है जिसमें फ्लू पाया जा रहा है, फ्लू की आशंका है, ब्लड फीवर की आशंका है, उसको यहाँ लाया जाएगा और यहाँ ला करके पशुपालन विभाग के अधिकारी उसका इलाज करेंगे और भोजन की व्यवस्था, पशुओं की भोजन की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं यह इस तरीके की योजना से, इस तरह के कार्य से जो संक्रमण इलाके में तेजी से फैल रहा है उस पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा। लेकिन देखना यह भी होगा कि यह व्यवस्था कैसी रहती है नगर निगम के द्वारा, इस पर क्या आगे क्या ध्यान दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, या सिर्फ खाना पूर्ति कर छोड़ दी जाती है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। भागलपुर DM प्रणब कुमार ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में जिले के कई विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में DM ने कोरोना वायरस के प्रति जिला वासियों को जागरूक करने एवं बाहर से आने वाले व्यक्तियों की पहचान कर सूचीबद्ध करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। DM ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन किया गया है जिससे वाहनों का परिचालन बंद किया गया है और आवश्यक सामग्री को छोड़कर सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। बैठक में DM ने आम नागरिकों को खाद्य सामग्री उपलब्ध सही दर पर मुहैया कराने का आदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया और साथ ही सभी रिटेलरों के साथ बैठक करने का भी निर्देश दिया। गैस एजेंसी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी करने और गोदाम पर नहीं बुलाने का निर्देश दिया। इसके अलावा शहर के साथ सभी प्रखंडों के गांव-गांव में लोगों को कोरोना वायरस से जागरूक करने की बात कही गई। बैठक में कोरोना के संदिग्धों से दूरी बनाए रखने, सैनिटाइजर से नियमित अंतराल पर हाथ साफ करने, जगह जगह प्रचार प्रसार करने एवं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही गई। इस मौके पर SSP आशीष भारती, नवगछिया SP निधि रानी, DDC सुनील कुमार, नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी, SDM आशीष नारायण, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह, अल्पसंख्यक पदाधिकारी राहुल कुमार समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े शहरों के तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र में मंगलवार को जिला प्रशासन एवं केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। पीरपैंती के प्रखंड विकास पदाधिकारी रंजन लाल निगम, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान, समाजसेवी बुलबुल सिंह एवं थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने गांव-गांव में घूमकर ग्रामीणों को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक किया। इस दौरान ग्रामीणों से घर के अंदर रहने, साफ सफाई का खासा ख्याल रखने, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने, हाथों को नियमित अंतराल पर धोने और आँख नाक एवं मुँह को नहीं छूने की अपील की गई। वहीं केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ की ओर से कोरोना के संदिग्धों को घर से जांच केंद्र तक ले जाने के लिए 4 एम्बुलेंस पीरपैंती रेफरल अस्पताल को दी गई है। दिल्ली, मुंबई एवं अन्य राज्यों से आने वाले एवं संदिग्धों को एम्बुलेंस निशुल्क सेवा उपलब्ध कराएगा। अध्यक्ष विष्णु खेतान ने कहा कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया दहशत में है और इस पर काबू पाने के लिए सभी सामाजिक संस्था को एकजुट होकर जिला प्रशासन के साथ मिलकर संदिग्धों को हर संभव सेवा मुहैया कराने और आम लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। आज मॉर्निंग से ही मैं राकेश कुमार थाना अध्यक्ष कृपी थाना, BDO साहब रंजन लाल निगम जी, विष्णु खेतान समाज सेवी और मेरे साथ भाई बुलबुल सिंह समाज सेवी हैं, ये अपने गाड़ी से माइक लेकर पूरे दिन भर हम लोग फोर्स के साथ, ऑफिसर के साथ टीम में घूमे और सभी जगह बोले लोगों को ये रोड पर ना निकले, सभी गांव में जाके भी समझाए। कुछ लोग रोड पर जो आए उनके साथ सख्ती से पेश भी आए और कुछ लोगों को फाइन भी काटा गया और इसका अच्छा मैसेज गया, लोग मान के अपने अपने घर में रह रहे हैं। कुछ 1-2% है
जो सख्ती से काम करने पर वो लोग भी अंदर चले गए। नाथनगर कौसकी झा लेन स्थित मौजी लाल झा कॉलेज के प्राचार्य एवं उनके परिवार के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। घटना में प्राचार्य कृष्णानंद मिश्रा एवं उनके पुत्र और दामाद को गंभीर चोटें आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर प्राचार्य कृष्णानंद मिश्रा ने बताया कि सोमवार को कॉलेज के ग्राउंड में लगे सरसों की फसल को व्यायाम कला केंद्र के सुजय कुमार झा, चिंतन झा और राहुल कुमार चौधरी काटने के लिए पहुंचा। इसका प्राचार्य द्वारा विरोध किया गया। विरोध करते ही सुजय कुमार झा ने प्राचार्य पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इसी बीच चीख पुकार की आवाज सुनते ही पुत्र और दामाद भी बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने उन दोनों की भी जमकर पिटाई कर दी। प्राचार्य ने कहा कि कॉलेज की जमीन को हड़पने के लिए पूर्व में भी सुजय कुमार झा द्वारा मारपीट की गई थी, जिसका केस भी नाथनगर थाना में दर्ज कराया गया था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। जो राहुल के साथ बहुत पहले मारपीट किया था, उसने केस किया था SC ST थाने में। उसके बाद कई बार उसके घर पे गया कि मेल कर लो, और आज वो लोग जमानत करा लिया, तो फिर वो कोशिश कर रहा है कि केस उठ जाए। उसके लिए अपने बेटे को भेजकर राहुल को वहाँ बुलवाया कि उसको कॉलेज में हर तरह का मदद करेंगे, और वहाँ जब इस पर दबाव देने लगा कि केस उठा, तो कहा कि नहीं, हम केस नहीं उठाएंगे, तो सब मिलकर इसको मारने लगा। वहाँ से चिल्लाते हुए जान बचा के भागा। हम वहाँ खेत में काम करवा रहे थे, कुछ मजदूर उजदूर था, तो इधर से सब लोग दौड़ा, तो वो लोग 4-5 आदमी था। फिर भागते हुए ये भाग रहा है, वो लोग पीछा करके इसको मार रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए भागलपुर में कई सामाजिक संगठन भी आगे आने लगा है। इसी को लेकर मंगलवार को योजना घर की ओर से वार्ड संख्या 16, 17 और 18 में संक्रमण रोकने के लिए सैनिटाइज अभियान चलाया गया। सैनिटाइज अभियान में योजना घर के मानव केजरीवाल और ऋत्विक जायसवाल ने खुद कई इलाकों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया और लोगों से घरों में रहने की अपील की। मौके पर रूपेश जैन, अमीश मिश्रा, विनय शाह समेत कई लोग मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के दूसरे दिन भागलपुर में पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। SSP ने कहा अनावश्यक घरों से बाहर निकलने वालों पर दर्ज होगी FIR। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड का किया निरीक्षण, मेडिकल टीम को दिए कई दिशा निर्देश। लॉकडाउन के बाद खुलेआम हो रही है अनाज की कालाबाजारी, थोक विक्रेता वसूल रहे हैं मनमानी कीमत, DM ने छापेमारी अभियान चलाने की कही बात। बीमार सुअरों के लिए निगम प्रशासन ने बनाया संक्रमण सेंटर, पशुपालन विभाग करेगा सुअरों के स्वास्थ्य की निगरानी। और कोरोना को लेकर DM प्रणव कुमार ने अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग, कई टीम का किया गठन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।